नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर आप कैंसर से कैसे बच सकते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही जहन में सिर्फ इतनी ही बात आती है कि अब लाइफ टाइम या तो दवा खाना है या फिर अब उस इंसान की लाइफ जो है ख़त्म होने वाली है। कई आपने वीडियोस भी देखे होंगे, आयुर्वेदाचार्य कई ऐसे होंगे जिन्होंने आपको जानकारी दी होगी इसके ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आप इससे बच कैसे सकते हैं। और इस चीज़ की जानकारी के लिए हम मौजूद हैं हरियाणा के अटेली मंडी आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद मैम। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रीटमेंट का तो वैसे भी पता बाद में होने के बाद पता चल ही जाता है, लेकिन इससे बचने का क्या तरीका होता है, कैसे इंसान बच सके और कारण क्या होता है कि आखिर कैंसर हो जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कैंसर के कारण क्या है। आज से 40-50 साल पहले बहुत रेयर केस होते थे कैंसर के, दो कारण थे मेन उस टाइम के, वो कारण आज भी हैं, लेकिन उस समय के दो कारण थे मेन, या तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती थी या नशा करने वाला। नशा करने वालों में भी मोस्टली लोग सुबह शाम हुक्का बीड़ी का इस्तेमाल करते थे, दिन भर काम करते थे, बहुत कम प्रयोग होता था नशे का भी, और जेनेटिक भी सबको नहीं होता। ये दो मेन कारण थे, इसीलिए रेयर केस थे। लोग मेहनत करते थे, पसीना निकलता था बदन से, सारे दिन भर काम करते थे, सुबह शाम हुक्का पी लिया, बीड़ी पी ली, वो एक अलग बात है। आज की तरह नहीं था कि दुनिया भर के उत्पाद आ रहे हैं, भाई ये गुटखा है, ये कैनी है, पता नहीं क्या क्या है तम्बाकू की, तो ये कारण तो आज भी बरकरार हैं। लेकिन आज के दौर में कितने नाम गिनाऊँ किस किस से कैंसर हो रहा है, बहुत कारण बन गए हैं कैंसर बनने के। जैसे रेडिएशन है, केमिकल बेंजीन केमिकल है, खतरनाक केमिकल है। अब रेडिएशन के संपर्क में तो हम 24 घंटे रहते हैं, बेंजीन के संपर्क में भी अब आम लोगों को नहीं पता, लेकिन बेंजीन के संपर्क में भी हम दो टाइम रहते हैं कम से कम सुबह शाम। हमारी रसोई गैस में बेंजीन की मात्रा पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में, और रसोई में कैसे, मतलब वहाँ तो सिर्फ खाना, रसोई गैस में बेंजीन की मात्रा पाई जाती है। अच्छा। और आजकल की जो लेडीज हैं, पता नहीं किस से कहाँ से ट्रेनिंग ली है, कहाँ से सीखा है, सब ने वही तरीका है, चूल्हे से रोटी उठाती है और उस पर गैस पे फुलाती हैं उसको। फिर हम जहर खा रहे हैं, जहर खाया जा रहा है, मजबूरी हमें खाना है जहर, लेकिन उसको भी गलत तरीके से खा रहे हैं। हमने अपना जो है कल्चर छोड़ दिया, खान पान भूल गए हम अपना, तो बहुत से कारण हैं। बर्तन हमारे घरों में आज जो 1942 में आज़ादी की लड़ाई के दौर में जब हमारे बुजुर्गों को जो फ्रीडम फाइटर थे उनको काले पानी की सज़ा होती थी, अंग्रेज लोग ले जाते थे काला पानी में डाल देते, उन्होंने एल्युमिनियम उनके लिए इस्तेमाल के लिए बनाया था कि एल्युमिनियम इनका खाना बनेगा, यहीं मर जाएंगे, बीमार हो गए। आज वो हमारी रसोई की शान है, एल्युमिनियम कैंसर बनाने का बहुत बड़ा कारण है। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में खाना पहली बात तो गलता है, बनता नहीं है, पकेगा नहीं। दूसरा कि अमोनिया उसी में जज्ब हो रहा है, अमोनिया जो है खतरनाक जहर होता है वो उसी में जज्ब हो रहा है, तो हमें तो जानकारी है कि ये जहर है फिर भी हम खाए जा रहे हैं उसको। हमारे बुजुर्ग जो इलिटरेट थे सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, उनको ये पता था कि ये खाने के मतलब का नहीं है, वो निकाल के बाहर करते थे उसको। तो कितने कारण बताऊँ कैंसर के, बहुत कारण हैं आज, और इसीलिए घर घर में ये फैल रहा है। सर, इन सब चीज़ों से एक मतलब आजकल ये हो गया कि लाइफस्टाइल ऐसे चेंज होती जा रही है, सहूलियत के हिसाब से इंसान बना रहे, बचने का क्या कारण है? आपने बताया रसोई, तो ये तो होने का कारण बता, बचने के लिए हमें इनके प्रभाव से इनसे बचाव करना पड़ेगा, इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। अगर ये जो लाइफस्टाइल है हम अपनी चेंज कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी डॉक्टर के पास जाने की। आज खाने को ना रोटी है शुद्ध, ना पीने को पानी है, प्योर पानी नहीं मिलता, ना ऑक्सीजन मिल रही है, इन तीनों से तो जीवन है ना। अब इन ये तो प्योर नहीं है तो कौन बचाएगा हमें, भगवान तो आएगा नहीं बचाने के लिए। हमें तो इन बीमारियों से बचने के लिए अपने आप में थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, ठीक है ना। आदमी समय से उठे, समय से खाए, समय से पिए। कोई ऐसा पक्षी बताओ जिसको पंख उड़ नहीं सकता, बनाया तो सब कुदरत ने ही है ना, कुदरत ने बनाया है सबको,
और आदमी को 5 एलिमेंट्स हैं, आदमी 5 तत्व पूरे, या तो आदमी में है या पृथ्वी में है, धरती माँ में है या आदमी में है, इंसान में है, बाकी किसी में नहीं है 5 एलिमेंट्स है ना। प्लस में दिमाग साथ दिया है, बुद्धि दी है, लेकिन उसका हम मिसयूज कर रहे हैं। हमने अपने खाने के तौर तरीके बदल लिए, रात को 12 बजे खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, कौन सा तरीका है, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, भागते भागते पानी पी रहे हैं, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, किस टाइम खाना चाहिए किस टाइम नहीं खाना चाहिए, जब भूख लगी खा लिया। पशु भी नहीं करता ऐसे, तो पशु भी 2 टाइम खाना खाता है, टाइम से जितना पेट में डालेगा उसकी जुगाली करके पचा लेगा उसको, लेकिन हम तो, हमें तो पता है कि ये पचने वाली चीज़ नहीं है, उसको भी हम खा रहे हैं। कहीं भी किसी भी बाज़ार में आप जाके देखोगे, ये जो ठेले लगे होते हैं, रेहड़ियाँ लगी होती हैं, जंक फूड तैयार होता है। हमारी भावी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी इसी को फास्ट फूड बोलेगी, तो आज की पीढ़ी है वो भी इसको फास्ट फूड ही बोल रही है। फास्ट फूड तो फ्रूट वगैरह होते हैं, फास्ट फूड तो फ्रूट वगैरह होते हैं, तो जंक फूड है, चाइनीज फूड है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ला के, ये उसका नाम भी नहीं पता मेरे को तो क्या क्या है। इन रेहड़ियों पर बुजुर्ग भी, हाँ बुजुर्ग भी लगे हुए हैं, तो बच्चे भी लगे हुए हैं, मियाँ भी, बीबी भी, सारे बच्चे वो सारे साथ खा रहे हैं। रात को खाना नहीं बनाना, चलो यही खा लेते हैं, फास्ट फूड या जंक फूड। पता है कि किसी पहलवान को भी डाइजेस्ट नहीं होती मैदा, सारे मैदा के बने हैं। वर्ल्ड चैम्पियन कोई है वो भी नहीं पचा पाएगा मैदा को, डाइजेस्ट ही नहीं होगी, छोटी बड़ी आँत में चिपकती है वो स्तूल के जरिए, बाहर निकलेगी कम निकलेगी, कुछ नहीं पता। तो ये कैंसर के कितने कारण गिनाऊँ मैं, तो इनसे बचने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया सुबह सुबह जल्दी उठें, उठ के कम से कम 1 गिलास पानी अपनी क्षमता के अनुसार, ज़्यादा पीना चाहे तो 1 लीटर 1.25 लीटर तक पिए, गुनगुना पानी पिए, बैठ के पिए, घूंट घूंट करके पिए। भाई मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कोई पक्षी ओवर वेट नहीं है, पंख है वो सब उड़ते हैं, लेकिन आदमी से किसी से चला नहीं जाता, किसी से बैठा नहीं जाता, कोई खड़ा नहीं रह सकता, मोटापा बढ़ जाता, तो अनेकों कारण है। तो आदमी को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये सुबह जल्दी उठ के पानी पिए सबसे पहले तो, उसके बाद में हमारे जो हैं ये केमिकल युक्त जो टूथपेस्ट है इनका सेवन कम से कम करें, तो मेरे विचार से तो नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर करता है तो बहुत कम करें। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जो प्राकृतिक उत्पाद हैं दातुन वगैरह, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। खाने का टाइम सुबह का और शाम का, खाने का टाइम अपना एडजस्ट करें अपने हिसाब से। सुबह में 8, 8:30, 9 बजे तक हमारी जठरग्नि, हमारा जो पाचन तंत्र है वो बढ़िया तरीके से काम करता है, ज़्यादा भी खा लेंगे थोड़ा तो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार शाम को भी, शाम को भी सूर्यास्त होते होते खाना खा लेना चाहिए आदमी को। पानी जब भी पिए अपना घूंट घूंट करके पिए, बैठ के पिए 24 घंटे जब भी पीना हो जी। खाने से तुरंत पहले पानी ना पिए आदमी, क्योंकि पानी और आग की दुश्मनी है, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। पहले पानी पी लिया और उसके तुरंत बाद खाना खाना शुरू कर दिया, या खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, या खाने के साथ हमने पानी ले लिया वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा। खाना खाने के कम से कम 40 मिनट बाद पानी पिए, कुल्ला कर सकते हैं, या 20 में कभी कभार जरूरत पड़ती है घूंट ले सकते हैं, 20 में भी आदत ना डालने पानी की। हमारे फूड ग्रेन है इनमें ग्लूटीन है, जैसे गेहूं है 24 घंटे दवा के संपर्क में, कीटनाशक के संपर्क में रहता है, इसका कम से कम प्रयोग करें, इसका ना खाएं पेशेंट तो कम से कम ना खाएं, मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। चीनी है, चीनी में सल्फर होता, अच्छे भले आदमी को मारती है। अब सारे उत्पाद जो ये मीठे के हैं, अब चीनी भी गन्ने से बनती है तो खांड भी गन्ने से बनती है, गुड़ भी गन्ने से बनता है, लेकिन सबके क्रियाकलाप अलग अलग है। गुड़ तो फायदेमंद है, गुड़ अगर देसी गुड़ जैविक गुड़ है वो फायदेमंद है, केमिकल वाला गुड़ नहीं खाना चाहिए। मीठे के तौर पर हम सितला मिश्री जिसे कहते हैं, धागा जिसके बीच में लिपटा होता है, उसका सेवन कर सकते हैं, देसी खांड का सेवन कर सकते हैं। आयोडीन वाला नमक है, आयोडीन की इतनी कोई विशेष कमी नहीं होती किसी में भी, गर्म क्लाइमेट में आयोडीन कम नहीं होता किसी में जी। सेंधा नमक खाएं इसके बदले में, साबुत लेके पैकेट बंद चीज़ ना खाएं बाजार की, प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं।
और अगर डॉक्टर साहब किसी को हो ही गया है, आचार्य जी अगर किसी को प्रॉब्लम हो ही गई है कैंसर की, तो उससे निकलने के लिए क्या तरीका है और आप भी क्या ट्रीटमेंट देते होंगे उन लोगों को? मैं निकलने के लिए ही तो ये बता रहा हूँ ना, ये ना करें। आप ट्रीटमेंट क्या? ट्रीटमेंट भी बता रहा हूँ ना, तो एक एक चीज़ पॉइंट वाइज तो बताऊँ के बीच में। स्टेप बाय स्टेप मैदा है, सभी को पता है कि मैदा डाइजेस्ट नहीं होती, फिर भी हम खाए जा रहे हैं उसको, कौन बचाएगा बताओ? मैदा के बदले में मूंग है, बेसन है, सिंगाड़े का आटा है, कुछ भी मोटे अनाज का कोई भी आटा प्रयोग कर सकते हैं। रिफाइंड तेल खा रहे हैं, मसाले पीसे हुए जिनमें मिलावट होती है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्ची घाणी का तेल खाएं, सरसों का खाएं, मूंगफली का खाएं, तेल का खाएं, लेकिन हो कच्ची घाणी का, रिफाइंड ना हो। घरों में बर्तन जो हैं वो अल्यूमिनियम के बर्तन, उनसे बचें कम से कम। पेशेंट को तो कम से कम बचना चाहिए, प्रेशर कुकर से भी बचना चाहिए, लोहे के में, मिट्टी के में, पीतल के, इन बर्तनों में खाना बनाए अपना। स्टील में, स्टील भी कोई अच्छी धातु नहीं है, कोई अच्छी धातु नहीं है। स्टील में थोड़ी बहुत देर के लिए जैसे दूध गर्म करना है 2-4 मिनट के लिए कर लिया, बाकी लंबे समय तक आग पर नहीं रहना चाहिए स्टील में। फ्रूट है, खट्टे फ्रूट तो खाने ही नहीं चाहिए, खट्टे कैंसर पेशेंट को खट्टे फ्रूट नहीं खाने चाहिए। लिक्विड के तौर पे भी कुछ नहीं लेना चाहिए, खट्टा पॉइजन होता है उसके लिए। और कार्बाइड से पके हुए फल हैं वो भी नहीं खाने चाहिए पेशेंट को। अनार है, एक अपवाद है, पेड़ पे पकता है, मीठा होता है, वो खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हरी सब्जी और सलाद का इस्तेमाल करें। खट्टे फल मोस्टली पेड़ पे पक जाते हैं, जैसे जामुन है, बेर है, अंगूर है, संतरा है, पेड़ पे पकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते वो, नुकसान करेगा, उनको एनर्जी मिलेगी। कैंसर के सेल्स हैं, उन्हें एनर्जी मिलेगी, खट्टी चीज़ नहीं खानी है। और केला, पपीता, चीकू वगैरह खा सकते हैं, लेकिन ये भी कार्बाइड से पकते हैं, कच्चे लेके आए, इनको घर में पकाए, कुछ विशेष नहीं करना पड़ता, अखबार में लपेट के रख दो 24 घंटे पक जाएगा। तो ये कुछ कारण हैं। कुछ लोग ये कहते हैं गौमूत्र का सेवन करें, कुछ डॉक्टर भी सलाह देते हैं गौमूत्र का सेवन करें। ये ठीक है कि गौमूत्र में कर्क्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर को हराने में सक्षम है, और बहुत सारी औषधियों में पाया जाता है, लेकिन उसका सेवन करने का तरीका तो ये नहीं है ना। अगर हमने सीधे गौमूत्र का इस्तेमाल कर लिया तो उसमें इतने बैक्टीरिया हैं कि हमारे बढ़िया सेल्स से बॉडी के उनको खा जाएंगे वो। एक तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से आदमी जूझ रहा है और ऊपर से हम गौमूत्र पिलाए जा रहे हैं उसको, और बैक्टीरिया स्टार्ट, तो वो तो समझ लो कुछ समय का ही मेहमान है। लेकिन पता नहीं कैसे बता रहे हैं कि गौमूत्र का सेवन करें। गौमूत्र लेने के तरीके हैं, 2 साल से कम बच्चा ना हो, देसी गाय हो, बीमार ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, ब्याई हुई ना हो, जाने वाली ना हो, हैं, शीशे या मिट्टी के बर्तन में कलेक्ट करें, सुबह सुबह कर लें, हर बारी ताज़ा लें, और उसको लेके उसका सबसे पहले तो उसका अमोनिया ख़त्म करें, सारा अमोनिया जब तक गर्म करें जब तक उसका अमोनिया ना ख़त्म हो जाए। फिर उसको 8 बार कपड़े की तह से छानें, या 8 तह करके छानें, या 8 बार में छानें, उसके बावजूद उसमें 10 ml 15 ml ज़्यादा से ज़्यादा इतना सेवन हम कर सकते हैं, तो वो तो कुछ फ़ायदा भी करेगा। अगर ये सारे प्रोसेस है इनको पूरा करते हुए अगर पेशेंट करता है तो वो तो कुछ फ़ायदा करेगा। अगर हमने गाय ने गौमूत्र किया, हमने उसको लिया और उसको पी गए, तो समझ लो हमने पॉइजन लिया है, गौमूत्र थोड़ी लिया है, नुकसानदायक है। मेरी तो सभी पेशेंट्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी से मेरा तो यही अनुरोध है कि कम से कम गौमूत्र का सेवन ना करें। एक डॉक्टर या आचार्य जो भी बताए उसी चीज़ को फॉलो करते हुए करें। आचार्य जी, ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब जैसे आपके पास कोई आता होगा कैंसर का पेशेंट, तो आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से वो करें? हम उन्हें 4-5 प्रकार के तो अर्क हमारे पास तैयार होते हैं, हम तैयार करते हैं 5 प्रकार के अर्क होते हैं। एक मतलब जानकारी भी दी थी एक अर्क के बारे में। तो ये 5 प्रकार के अर्क उनको दिए जाते हैं, सारे के सारे गौमूत्र में तैयार होते हैं। गौमूत्र में तैयार होता है अर्क प्लस औषधियाँ होती हैं। हर प्रकार में अलग अलग औषधियाँ होती हैं,
गौमूत्र तो एक ही प्रकार का होता है। उसको करने का तरीका मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कैसे तैयार होता है। 12-14 घंटे कम से कम एक अर्क बनाने में लगते हैं। 15 लीटर में 3 लीटर क्षार बच जाता है, 3 लीटर अमोनिया चला जाता है, 3 लीटर जल जाता है, 5-6 लीटर बामुश्किल जो है शुद्ध अर्क तैयार मिलता है। तो ये 5 प्रकार के अर्क होते हैं, 4 प्रकार की घनवटियाँ होती हैं, कुछ और 2-3 प्रकार की औषधियाँ होती हैं जो हम कैंसर पेशेंट को देते हैं, और 1 महीने की दवा हम पेशेंट को उपलब्ध करवाते हैं और 1 महीने में पेशेंट को रिकवरी होती है। अच्छा। मुझे इतना भरोसा है और भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे, बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं करता, खुद तैयार करता हूँ। यहाँ तक कि घनवटियाँ बनाने के लिए भी मुझे साथ लगना पड़ता है, कोई हेल्प के साथ साथ नहीं, हेल्पर बना ही नहीं पाते। हाँ, सेल्फ मेड। अच्छा, अगर हम बात करें कि मतलब सिम्टम्स के बारे में, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियाँ जो बहुत गंभीर रूप ले लेती हैं उसके बाद ही पता चलता है कि हमें कैंसर हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसके सिम्टम्स शुरुआती दौर में कुछ ऐसे शरीर में हमें दिख जाएं कि हमें डॉक्टर के पास अब जाना ज़रूरी है, वो क्या चीज़ होती है? कमज़ोरी आ जाती है आदमी में, उल्टियाँ आनी शुरू होती है, चक्कर आने लगते हैं। जैसे ब्रेन कैंसर हुआ है, कैंसर कई प्रकार का होता है, ब्रेन कैंसर है, फालिज भी लग जाता है, लकवा लग जाता है पेशेंट को, कोमा में भी चला जाता है, कई गंभीर लक्षण हैं इसके। अच्छा। मतलब घर पे बैठे हुए आपका इलाज लिया जा सकता है, जैसे आप बता रहे थे कि कुरियर का भी आपके पास सुविधा है? कुरियर फैसिलिटी तो अवेलेबल है हमारे पास, जहाँ भी दवा दूर दराज भेजनी होती है तो पेशेंट अपना एड्रेस उपलब्ध करवा देता है, हम कुरियर कर देते हैं उसको। लेकिन एक बार आना ज़रूरी है? आना, अगर आने की सिचुएशन नहीं है तो कैसे आएगा पेशेंट? अपनी रिपोर्ट भेजिए, हम रिपोर्ट स्टडी करने के बाद में दे देते हैं, फिर ठीक होता है पेशेंट, 2-3 महीने में तो आते भी हैं पेशेंट। अच्छा। वो अपना इंटरव्यू करके जाते हैं, आते हैं कि मेरे में अंदर सुधार हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 1 महीने में या 20 दिन में या 2 महीने में पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाएगा। पेशेंट 2-3 प्रकार के होते हैं, समय कम से कम 4-6 महीने लग जाता है नॉर्मल होने में पेशेंट को, कम से कम बता रहा हूँ। और एक पेशेंट तो ऐसा होता है जिसको मालूम नहीं होता, जिसको बताते नहीं अटेंडेंट कि आपको बीमारी क्या है, वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। एक पेशेंट ऐसा है कि जिसको मालूम है और उसने ठान लिया है कि मुझे लड़ना है इस बीमारी से और निजात पानी है, तो वो भी डेफिनेटली ठीक होता है। और एक पेशेंट ऐसा है, उसकी सोसाइटी भी इतनी बढ़िया है कि उसे ये सोचता है कि भाई अब तो बचना मुश्किल है, मरना है, क्यों ना खा पी के मरे, तो उसे तो शायद कोई भगवान भी या कोई अवतार आ जाए, वो भी नहीं बता सकते। आसपास के लोग ही ऐसे हैं। आपके पास जो बाहर से ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में? देखो, हम पेशेंट को एडमिट तो नहीं करते, लेकिन दूर दराज से जो पेशेंट आने वाले होते हैं वो 1-2 दिन यहाँ आराम से रुक सकते हैं, अपनी थकावट दूर कर सकते हैं, उसके बाद में घर जा सकते हैं। पेशेंट को एडमिट नहीं करते कैंसर पेशेंट को, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए हमेशा अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो काम घर पर ही हो सकता है, यहाँ हॉस्पिटल में नहीं। जूस बना के देना, तो कमज़ोरी इतनी आ जाती है, चलने फिरने की क्षमता नहीं होती है उसकी, तो जूस बार बार में जूस बना के देना, रेडीमेड थोड़ी लेना होता है, बाज़ार में पता नहीं क्या मिलता है। बस आखिरी सवाल और है, मतलब जो व्यूअर्स हैं, जो पेशेंट वगैरह होंगे, उनके लिए आप कुछ टिप्स या कुछ मैसेज ऐसा दे दीजिए जिससे उन्हें मतलब इसके प्रति जागरूकता होगी कैंसर जैसी चीज़ों के लिए। मैं तो यही कहता हूँ कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर कोई पेशेंट इस बीमारी से जूझ रहा है तो अपने परिवार पे लागू करें, कम से कम बच्चों पे इसका इफेक्ट ना पड़े, आने वाली जनरेशन सेफ रहे, और किसी के कहने सुनने से, कुछ लोग स्वयं वैद हो जाते हैं, किसी के कहने सुनने से गौमूत्र का सेवन ना करें। गौमूत्र का सेवन अगर करना भी है तो जो जैसी प्रक्रिया मैंने बताई है उस तरीके से करें। अगर वो प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो 5-10 ml 15 ml गौमूत्र ले सकते हैं, फ़ायदा करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इस
पूरे वीडियो में, इस पूरे साक्षात्कार में जो निकल कर आया है वो ये कि आजकल जो आपकी लाइफस्टाइल है, चाहे आप किचन में, ज़्यादातर आप ये सुनते हैं कि आपके किचन में ही आपकी दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन आजकल किचन भी एक ख़तरा बन रहा है। इसलिए अपने आप का ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नेशनल खबर की हमेशा यही अपील रहती है कि हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानकारी, दी गई जानकारी को एक बार सुनिए और साथ ही उन्हें अप्रूव भी कीजिए कि क्या सही है या फिर नहीं, और उसके बाद ही खुद पर अप्लाई कीजिए। और ऐसे ही खास साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।